ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 18 में क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट, 3, फोर, इसमें ना करेक्शन है, गिवन म्यू लेस देन 1 तो आंसर आएगा. हाँ, मैंने वो करेक्शन करवाई थी, म्यू लेस देन 1 वाली, राइट, सेम है, ये वैसा ही है, सेम है. नेक्स्ट, फिफ्थ, हाँ जी बोलो. सर, फिफ्थ क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों ऑप्शंस नहीं होनी चाहिए? ओके, चेक कर लेते हैं. क्वेश्चन है कि अ रफ वर्टिकल बोर्ड हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो बोर्ड की एक्सेलरेशन क्या है ए मेरी तरफ, ध्यान आगे प्लीज, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, सूडो फोर्स, कितना, 2a. तो वो कह रहा है गिर नहीं रहा, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड बोर्ड शुड बी इक्वल टू व्हाट. ओके, तो इसके अंदर क्या कंडीशन है, अगर ये गिरे ना तो फोर्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी, भी फ्रिक्शन ऊपर ऐड करेगी, वेट नीचे, और सूडो फोर्स इसमें क्या ऐड करेगा, 2a, तो म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी, तो m की वैल्यू यहाँ से 2 है, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन क्या है, 2a है, 2 से 2 कैंसिल, तो म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू g बाय a. चलते हैं ऑप्शन में. अब देखो यहाँ पर ना दो केस हैं, म्यू इक्वल टू g बाय a, म्यू ग्रेटर देन g बाय a, ठीक है. अब म्यू ग्रेटर देन g बाय a में प्रॉब्लम नहीं है कोई, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप ये कहना चाह रहे हो कि एग्जैक्टली इक्वल टू g बाय a पे आंसर आएगा, या तो वो ऑप्शन ये दे ग्रेटर देन इक्वल टू जी बाय ए, चलो बात समझ में आती है, ग्रेटर देन इक्वल टू जी बाय ए में बात समझ में आती है, ग्रेटर देन ज्यादा सेफ ऑप्शन है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू की वजह से बड़ी होगी आपका ब्लॉक पक्का नहीं गिरेगा, और अगर इक्वल टू होगी मे बी जस्ट एबल टू मूव का केस ना हो जाए, मैं कह नहीं सकता, वैसे गिरेगा नहीं, क्योंकि ये भी केस हो सकता है कि वो गिरेगा नहीं, बट ज्यादा सेफ ऑप्शन होगी जो ग्रेटर देन जी बाय ए करनी चाहिए. समझ में आ रहा है? वैसे ग्रेटर देन इक्वल टू ऑप्शन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ही मार्क करेंगे. ओके सर, एंड सर ये सेकंड क्वेश्चन में भी पूछना था कि ए ऑप्शन क्यों नहीं हो सकती है सेकंड क्वेश्चन के अंदर. ओके, टू पर्सन पुल ईच अदर थ्रू अ मास्कलेस रोप इन टग ऑफ वॉर गेम, कौन जीतेगा, हुज वेट इज मोर. देखो हमने खींचना कैसे है, ऐसे हॉरिजॉन्टल. अब प्रॉब्लम क्या है कि सारी गेम किसकी है, फ्रिक्शन की, क्योंकि टग ऑफ वॉर में होता क्या है, नीचे पैरों से स्लिप नहीं होना. अब स्लिप का मतलब क्या इसमें मैटर कर रहा है, फ्रिक्शन. तो आप ठीक कह रहे हो, आपने कहा जिसका वेट ज्यादा होगा उसकी फ्रिक्शन भी ज्यादा होगी, ठीक है, वो कह रही है वेट ज्यादा होगा फ्रिक्शन ज्यादा होगी, बट प्रॉब्लम ये है वो बंदे ना खड़े नहीं है ऐसे. जब वो बंदे खड़े होते हैं ना तो मैं मान सकता था कि वेट अगर ज्यादा होगा तो नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा फ्रिक्शन ज्यादा होगी. वो टेढ़े हैं, जब टेढ़े होते हैं ना वो कितने एंगल पे टेढ़े हैं उसके हिसाब से नॉर्मल रिएक्शन बेंड होता है. जब टेढ़े होते हैं, जैसे हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम, हॉर्स टेढ़ा फोर्स लगाता है फिर आगे चलता है, हम टेढ़े हैं तो नॉर्मल रिएक्शन टेढ़ा लगता है, किसी एंगल पे लगता है, हमें नहीं पता नॉर्मल रिएक्शन दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा. पॉइंट समझ में आ रहा है? तो सीधा फ्रिक्शन के ऊपर बात डाल दी. ओके सर, ठीक. टू के बाद थ्री के बाद फोर के बाद फाइव, नेक्स्ट सिक्स. हाँ देखो, सिक्स प्रॉब्लम जो है वो एक नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है पहले तो, और नीट वाले लिख लें नॉट फॉर नीट और नॉट फॉर एनसीईआरटी, ना स्कूल में आएगी ना नीट में आएगी, सिर्फ अगर आएगी तो मेन वालों के लिए करवा देता हूँ, अदरवाइज नॉन मेडिकल वाले के लिए ठीक है, मेडिकल के लिए आराम करें दो मिनट. कैसे, कोई कह रहा है कि एक बीड है जिसका मास एम है, आधा क्वेश्चन सुन लें, आधा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, 50% ओके है. एक बीड है और वो बीड ऊपर 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 ले गए, और ये जो पाथ देख रहे हो पैराबोला, इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई. इस बीड का जो कोऑर्डिनेट है, मान लो ये जो कोऑर्डिनेट है ये है एक्स कॉमा वाई, तो एक्स कॉमा वाई पे उसको रोक लिया, इसके ऊपर लेके जाएंगे वो नीचे आ जाएगा, और अगर इसके नीचे रखना ही नहीं है, उसने कहा कि ये हाइट बताओ क्या होगी, यानी कि वाई की वैल्यू क्या होगी कि किस पे आ जाए, एट रेस्ट, ठीक है. अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है यार, बीड अगर रेस्ट पे है फ्रिक्शन पे नीचे क्यों आ रहा है. अगर आपने किसी स्लाइड पे बच्चे को ऊपर चढ़ते देखा हो, नॉर्मली बच्चे का स्लाइड है नीचे आते हैं, कई बच्चे ना उल्टा जाते हैं, उल्टा जाते हैं कुछ देर चढ़ जाते हैं ऊपर और फिर रुक जाते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं और कभी कभी वो रुक जाते हैं, ये बीड वही बच्चा है, ऊपर चढ़ गया, इसके ऊपर चढ़ेगा तो स्लिप हो जाएगा, नीचे वो रहना नहीं चाहता तो वहीं रुक जाएगा.
तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वेट का जो कंपोनेंट है वो नीचे लेके आ रहा है, और कौन बचा रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है यहां तक? तो इस टाइप की जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनकी शुरुआत एक ही तरीके से होती है। पैराबोला के अंदर कोई बॉडी रेस्ट पे है, एक ही तरीके से शुरुआत होगी, और वो क्या? ड्रॉ अ टेंजेंट। आपने कहा टेंजेंट, टेंजेंट कहां से आ गया? टेंजेंट ड्रॉ करने से अगर आप ध्यान से देखें, रेड कलर में इंक्लाइन प्लेन बन गया। क्वेश्चन चेक करो, जैसे इंक्लाइन प्लेन पे मास पड़ा हुआ है, पैराबोला को छोड़ो, बन गया इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन के अंदर आपको ये पता है कि बॉडी को कौन नीचे लेके आएगा? एम जी साइन थीटा। और कौन बचाएगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एम जी कॉस ऑफ थीटा। क्या स्टेप क्लियर है? पहला स्टेप ठीक है, पर बॉडी तो रेस्ट पे है। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो नीचे की फोर्स एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू ऊपर की फोर्स एम जी कॉस थीटा। कॉस थीटा सॉरी टैन थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहां पर? म्यू। पुराना नाता है टैन थीटा और म्यू का, फिर से एक बार, टैन थीटा इज इक्वल टू म्यू। तो इस कंडीशन पे ये रुक जाएगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे निकालना है, मुझे वाई निकालना है। अब अगर वाई निकालना है तो एक काम करते हैं, वाई इन टर्म्स ऑफ म्यू निकालना है, तो मुझे टैन थीटा को लिमिनेट करना पड़ेगा। इस टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब क्या होता है? टैन थीटा का मतलब क्या होता है? स्लोप। टैन थीटा स्लोप होती है, और अगर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो स्लोप का मतलब, टैन थीटा का मतलब ऐसा लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, हमने किया था प्रोजेक्टाइल और काइनेमेटिक्स और कैलकुलस, हमने क्या किया था उसमें? अगर ये वाई है, ये एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मानी जाएगी? स्लोप। राइट, अब आपको वाई की वैल्यू ऑलरेडी पता है। क्या वैल्यू है वाई की? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। पुट करके क्या आ जाएगी? स्लोप। ये देखो, तो पहली कंडीशन आ गई ये कि मेरी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, मैंने इक्वल टू की थी, वैसे ग्रेटर देन इक्वल टू में कर दो क्योंकि यहाँ पर इनइक्वालिटी चल रही है। नहीं, इक्वल टू में चल जाएगा यहाँ पे, तो टैन म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू या इक्वल टू टैन थीटा किया हमने। वाई की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर बाई ए इज अ कॉन्स्टेंट। टैन थीटा क्या होती है? स्लोप डी वाई बाई डी एक्स। वाई की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दें, ए बाहर आ गया, 2x टैन थीटा स्लोप आ गई। अब ये टैन थीटा आ गया, और हमने कंडीशन क्या बनाई थी? टैन थीटा लेस देन इक्वल टू म्यू, टैन थीटा की वैल्यू 2x बाई ए यहाँ पुट कर दें। तो जब यहाँ पुट किया तो ये टर्म आ गई। प्रॉब्लम ये है कि हमें एक्सपोनेंट निकालना है, तो वाई निकालना है। अब मुझे पता है ये रिलेशन में एक्स स्क्वायर क्या है? ए वाई। तो एक्स क्या है? रूट ए वाई। तो आप यहाँ पर एक्स की जगह रूट ए वाई पुट करें, स्क्वेयरिंग करें, वाई की ऑटोमेटिक वैल्यू आएगी। एक हिंट है इस क्वेश्चन के लिए, अभी थोड़ी आपके लिए थोड़ा सा, ये बड़ा क्वेश्चन है, मेडिकल वालों को तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको, और नीट उसमें स्कूल लेवल भी नहीं आएगा। ये मेज में हो सकता है कहीं आपको दिख जाए दूर, कोई 100 में से एक क्वेश्चन पैराबोला का, आपको आइडिया हो गया कि स्टार्ट कहाँ से करना है, बाकी क्वेश्चन देखेंगे। रेगुलर क्वेश्चन नहीं है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। सेवंथ क्वेश्चन में डाउट डाउट है, एक फिगर है रेस्ट पे है, मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स डाउन द इंक्लाइन फॉर विच ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट इज 1 न्यूटन। वो कह रहे हैं जी मैं फोर्स अगर नीचे लगाऊं तो 1 न्यूटन की फोर्स लगाऊंगा कम से कम, ताकि ब्लॉक रेस्ट पे रहे। और सेकेंड केस में अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स अप द इंक्लाइन 7 न्यूटन लगाऊं तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी। तो एक बार फोर्स कहाँ लगेगी? नीचे, एक बार ऊपर। दो केस हैं आपको इसमें क्या निकालना है? म्यू निकालना है। पहला केस, आपने पहले केस में फोर्स कहाँ लगाई? 1 न्यूटन नीचे। एम जी साइन एम जी कॉस तो वैसे ही है, बॉडी रेस्ट पे है। अगर बॉडी रेस्ट पे है, इसकी टेंडेंसी कहां आने की है? जब आप फोर्स नीचे लगा रहे हो, नीचे फ्रिक्शन कैट करेगी ऊपर, पर बॉडी रेस्ट पे है तो दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। वैसे इसमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन हर हालत में ऊपर है, क्यों? सोचो, कोई स्टूडेंट कहता है पता नहीं लगा जी, फ्रिक्शन नीचे कर दी। वाह, फ्रिक्शन भी नीचे, एम जी साइन 30 भी नीचे, और तुम भी फोर्स नीचे, और सोच रहे हो ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, कौन बचाएगा उसे? कोई भी नहीं। तो फ्रिक्शन तो बचाएगी कम से कम, तो तभी बॉडी रेस्ट पे रहेगी। तो यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, और नॉर्मल रिएक्शन की जगह एम जी कॉस 30 इक्वेशन नंबर 1 ऐसी रख लो। पहला केस क्लियर। दूसरा केस, मैं फोर्स कहाँ लगा रहा हूँ? 7 न्यूटन। भाई जब मैं फोर्स ऊपर लगा रहा हूँ तो फ्रिक्शन कहाँ? नीचे। तो एम जी साइन 30 प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू 7। नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस 30 इक्वेशन नंबर 2। एक आगे इक्वेशन नंबर 1, एक आगे इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करके एम जी एम जी एम जी कैंसिल, म्यू निकालना है, म्यू कैन बी कैलकुलेटेड आंसर आ गया। दो केस को डिवाइड करके आंसर आया।
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, एट तो पुश एंड पुल वाले करना है, ये वही है, बस फोर्स नीचे लगा रहे हैं यहां पे। एटीन के बाद शीट नंबर 19 लास्ट, 19 में फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट, अगर नहीं डाउट तो बोलो कैसे किया, बोलो एक्सप्लेन क्या किया, कोई समझाएगा? ऑनलाइन क्या समझ में आया कैसे किया ये? रीडिंग में थ्रस्ट लेते हैं, देखो पुली है, दो मासेस हैं, यहां पर रीडिंग ले रहे हैं, जब ऊपर रीडिंग ले रहे हैं तो ऊपर टेंशन क्या होती है, टूटी, याद है थ्रस्ट ऑन दी पुली टूटी किया था फोर्थ चैप्टर में, तो तुम यहां पर टूटी निकाल लो, टेंशन टू, टेंशन का फॉर्मूला था याद है पुली में, 2m1 m2g/m1 m2, तो थ्रस्ट क्या डबल किया, सारी वैल्यूज पुट की, आंसर आ गया इतने जी। वो आंसर किसमें पूछ रहे हैं, न्यूटन में नहीं, केजी में पूछ रहे, तो आप जी हटा दो इसका, तो एम जी में जी हटा दो, क्या बचा मास, 20/6 यानी कि 10/3.33 विच इज लेस देन 6 के, 6 किलो से कम आएगा, एम जी ने जी हटा के मास में आंसर देना है, तो आंसर लेस देन 6 के जी, क्लियर है यहां तक? क्या चेक करना है, टूटी थ्रस्ट। क्वेश्चन नंबर टू में डाउट, सेकेंड क्वेश्चन में, काफी लोग तो अभी पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, असाइनमेंट ट्राई नहीं की होगी ना, ध्यान से पढ़ रहे हैं, पढ़ ही लें अभी साथ साथ। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक ट्रॉली 5 किलो की, ये मास 2 किलो का, एक रस्सी है, रस्सी की का मास भी गिवन है, रस्सी का मास कितना गिवन है, लोड 1 किलो, 1 kg, 1 किलो की रस्सी है, लेंथ इसकी 2 मीटर है, लेंथ रस्सी की 2 मीटर है, एज दी लोड फॉल्स फ्रॉम बी सी इज इक्वल टू 0 to BC = 2, जब बी सी 0 है, मतलब ये ब्लॉक बिल्कुल टॉप पे और रस्सी बिल्कुल टेबल पे है, BC = 2 का मतलब रस्सी पूरी की पूरी नीचे खुल गई और ये ब्लॉक यहाँ पर आ गया, तो एक्सेलरेशन की रेंज क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताओ, जब पूरी रस्सी टेबल पे है तो नीचे लाने की फोर्स क्या है, सिर्फ 2g, 2 kg की वजह से 2g, तो फोर्स कितनी है, 2g नीचे लेके आएगी किसे, एक तो अपने आप को, एक रस्सी को और एक 5 kg को, सबको, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, 2g डिवाइडेड बाय टोटल मास, ब्लॉक का मास, रस्सी का मास और ब्लॉक का मास, आंसर। जब ये ब्लॉक बिल्कुल नीचे गिर गया, ये ब्लॉक कॉर्नर पे आ गया, अब खींचने की फोर्स क्या है, 2 kg + 1 kg = 3 kg, रस्सी भी खींच रही है, तो क्या बनेगा, फोर्स 3 3g, किसको खींच रहा है, तीनों को, दोनों के ब्लॉक्स का मास और रस्सी का मास, आंसर, मार्क कर लेना एक्सेलरेशन, ठीक है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना, नीट को तो बिल्कुल ही नहीं करना, मेंस वालों के मेंस के पेपर में आ जाएगा, तब की तब देखेंगे जब वो लेके आएंगे एफर्ट करके, ऐसे नहीं, तो आप थर्ड को अभी मत करें, इसको ट्राई करें और एक्स्ट्रा टाइम में ही पूछें। फोर्थ हमने कर लिया आज, याद है वर्टिकल एक्सेलेरेशन, ये सेम क्वेश्चन यहीं से पूछा था मैंने, तो आंसर हमने कर लिया, ये जरूरत नहीं है इसकी। फिफ्थ क्वेश्चन काफी बुक्स में गिवन है, कैसे किया फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें फिगर शोज पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब इसकी स्लोप आपको क्या देगी, वेलोसिटी, है ना, एक्सटी ग्राफ स्लोप वेलोसिटी। तो अगर मैं ये ना रिपीट हो रहा है, तो जब ये यहां से ऊपर जा रहा है, स्लोप क्या है, 2/2, तो वेलोसिटी क्या है इनिशियल, 1 m/s स्लोप y/x, फिर जब ये नीचे आ रहा है तो ये भी 2, ये भी 2, वेलोसिटी फाइनल क्या है, 1 m/s विद नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन क्यों, देखो x की वैल्यू 0 से 2 हो गई, 2 से 0 हो गई, सोचो मैं ओरिजिन पे हूं, x 0, x इक्वल टू 2 पे चला गया, फिर x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 0 पे आ गया, 0 से 2, 2 से 0, यानी कि पहले मैं इधर गया फिर मैं इधर आया, डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज, इसलिए वेलोसिटी की डायरेक्शन, वेलोसिटी के आगे साइन क्या लगाया, नेगेटिव। मैथ्स के हिसाब से कर लो, ऊपर जाना पॉजिटिव स्लोप, नीचे आना नेगेटिव स्लोप, क्या निकालना है, बॉडी का मास गिवन है, इंपल्स निकाल लो,
इंपल्स के दो फॉर्मूले करवाए थे, या तो फोर्स इनटू टाइम या चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। तो फाइनल मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी कितनी है? माइनस वन। इनिशियल मोमेंटम क्या है? वेलोसिटी क्या है? वन। मास कितना गिवन है? 0.4। माइनस वन माइनस वन, सॉल्व कर लेना, नेगेटिव इंपल्स आएगा क्योंकि जब वेलोसिटी, अच्छा आपको मैग्नीट्यूड ही पूछा है, छोड़ो प्लस माइनस का चक्कर ही नहीं है इसमें कोई। जब माइनस आता है तब भी आपको आंसर तो पॉजिटिव ही देना है, बात ही खत्म। पॉइंट समझ में आ रहा है? सोचना कैसे है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम कर चुके हैं, आज मैंने क्लास में करा दिया था, जिसमें मैंने आपको नया क्वेश्चन बना के दिया था कि एफ वन वॉज इक्वल टू टू इंटू एफ वन टू इंटू एफ टू। एक बार बॉडी को ऊपर लेके जाना है और एक बार रोक के रखना है, और ऊपर लेके जाने की फोर्स टू टाइम रोकने की फोर्स है, सेम क्वेश्चन है। तो ये एक बार ऊपर लेके जा रहे हैं तो एक बार रोक के रख रहे हैं, इसमें बस क्वेश्चन में एफ वन टू टाइम एफ टू नहीं, इसमें थ्री टाइम एफ टू है, तो म्यू आ जाएगा। और अगर म्यू आ गया तो म्यू को यहाँ पुट करके एन आ जाएगा, एक स्टेप एक्स्ट्रा है। तो ये सेम क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस किया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 अभी छोड़ दें प्लीज, ये स्प्रिंग्स में अपना आ जाएगा, अभी नहीं करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 8, 8th क्वेश्चन में, जब भी प्लेयर बॉल को कैच करेगा अपने हाथों को पीछे करता है, और हमने डिस्कस किया था एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स है, शॉकर्स और कैच करना इम्पल्स की एप्लीकेशन है। क्या करवाया था मैंने? ऐसा करवाया था कि अगर जब भी कोई क्रिकेटर कैच करता है किसी बॉल को, तो उसमें जो फोर्स इनटू टाइम, वो फोर्स एफ लगाता है और टी टाइम के लिए लगाता है इम्पल्स, और वो क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, एक ही बात है। अब जब भी बॉल आती है उसके हाथ में, तो ये तो पक्की बात है उसका फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि बॉल को रुकना ही है। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? एम इन टू पी, उसके हाथ में ही नहीं है, बॉल का मास और बॉल की वेलोसिटी। तो इस क्वेश्चन के अंदर यही तो गिवन है, इस क्वेश्चन के अंदर एक प्लेयर को कैच करना है बॉल को, और मास बॉल का 150 ग्राम इतने केजी है, तो वेलोसिटी पता है, टाइम पता है। अभी मैंने क्या बताया? फोर्स इंटू टाइम, मास इंटू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, सॉल्व करके फोर्स निकालनी है, फोर्स आ गई। इम्पल्स और फोर्स नेगेटिव का मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, और पॉजिटिव का मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ पर कम हो रही है, हाथ में रुक रही है बॉल, तो नेगेटिव फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स है, राइट। क्वेश्चन है 0.2 केजी की बॉल है, उसको कैसे फेंक रहे हैं? अपवर्ड्स। कैसे? बाय अप्लाइंग अ फोर्स बाय हैंड, ये रहा, हाथों में पकड़ के कुछ देर के लिए हाथ को ऐसे लेके जाते हैं और फिर छोड़ते हैं, ऐसे नहीं छोड़ते, बहुत ऊपर फेंकना है तो ऐसे फेंकते हैं। फोर्स, यहां भी वेलोसिटी जनरेट होती है, फिर जो वेलोसिटी हाथ की वही वेलोसिटी बॉल की हो जाती है। तो वो कह रहे हैं जो हाथ है, हैंड है, वो 0.2 मीटर ऊपर जाता है, h 0.2 मीटर ऊपर जाता है, आपका हाथ पहले रेस्ट पे और v वेलोसिटी एक्वायर करता है, फिर बॉल की वेलोसिटी भी v हो जाती है, फिर बॉल हाथ से छूट जाती है, हवा में आती है, एक्सेलरेशन ड्यू इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो, जीरो हो जाती है। और कब? 2 मीटर हाइट पर। आपको बताना है कि फोर्स क्या लगी, हाथों ने फोर्स क्या लगाई, तो किसे लगाई? बॉल को लगाई। रूल नंबर 1, फाइनल वेलोसिटी बॉल की 0 है और बॉल की इनिशियल वेलोसिटी वी है, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हवा में है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2 into a into s, से क्या आ गया? वी आ गया, तो वी की वैल्यू आ गई 2√10। तो इतनी वेलोसिटी बॉल की है, तो हाथ की वेलोसिटी भी सेम है 2√10, और हाथ जीरो रेस्ट से स्टार्ट हुआ, तो फिर से एक बार अप्लाई करो, वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज 2 into acceleration into 0.2, क्योंकि हाथ क्या कर रहा है? एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आ गई यहां से 100। तो जितनी एक्सेलरेशन हाथ की है उतनी बॉल की है, तो बॉल पे फोर्स क्या लगी? बॉल का मास 0.2 into इसकी एक्सेलरेशन 20 इज द आंसर।